हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान की टीम के खिलाफ हार्दिक पांड्या का ऐसा तूफान कि रिजवान के साथ साथ पूरी पाकिस्तान की टीम के इस खिलाड़ी ने अकेले पर हट्टी उड़ा के रख दिया है। लेकिन कैसे रिजवान से बदला लेते हुए पांड्या ने बैक टू बैक विकेट्स ले डाले, आपको उनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या जडेजा और रोहित में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों साल का सबसे बड़ा मुकाबला यूएई के मैदान में शुरू हो चुका है, भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने है और भारतीय फैंस को और क्या चाहिए। आपको बता दें कि मैदान में उतरते ही रोहित शर्मा टॉस जीते और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी इतनी कारगर थी कि भुवनेश्वर कुमार ने पहले दूसरे में नहीं तो तीसरे ही ओवर में हमें बाबर आजम जैसे बड़े खिलाड़ी का विकेट मात्र 9 रन पर दिला दिया। बाबर का विकेट मिलने के बाद आवेश खान को खूब चौके व छक्के लगे, लेकिन दोस्तों उन्होंने भी फखर जमान को कैच आउट कराया रोहित की मदद पाकर। लेकिन इस दौड़ में हार्दिक पांड्या कहां पीछे रहने वाले थे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें जब पाकिस्तान की टीम के 2 विकेट गिर गए थे उसके बावजूद पावर प्ले में उनका स्कोर लगभग 50 से 60 टच कर चुका था, 10 ओवर हो चुके थे, इस टीम के 70 रन बन चुके थे स्कोरबोर्ड पर और अब एक ऐसी पार्टनरशिप बन रही थी जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ा सरदर्द बन चुकी थी। ओपनिंग जोड़ी के बैट्समैन मोहम्मद रिजवान तो मैदान में थे ही, साथ ही उनका साथ भरपूर तरीके से इफ्तिकार अहमद निभाने लगे थे। 222 गेंदों के अंदर इस धाकड़ बल्लेबाज ने 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से अपनी टीम के लिए कब में कब 28 रन बना दिए, किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। इस खिलाड़ी की दमदार बल्लेबाजी टीम को बहुत आगे ले जा रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या के आगे ये भी अपने घुटने टेकने पर आज मजबूर हो गए। द गेम चेंजर हार्दिक पांड्या ने दोस्तों इस बार भी निराश नहीं किया, अपनी गेंदबाजी के दम पर उन्होंने भले ही पहले ज्यादा रन नहीं दिए लेकिन विकेट भी चटका लिया पारी के 13वें ओवर में इफ्तिकार अहमद का। दोस्तों हार्दिक पांड्या उनके रग-रग से वाकिफ हो चुके थे, वे जानते थे कि बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बल्ला तो घुमाया ही जाएगा, इसीलिए एक शॉर्ट पिच बाउंसर का इस्तेमाल कर दिया और इस ओवर की पहली गेंद को बाउंसर में ही तब्दील कर दिया। इफ्तिकार अहमद सोच रहे थे कि शॉट खेले या नहीं, इतने में तो गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधे दिनेश कार्तिक के हाथ में चली गई। लेकिन दोस्तों इस खिलाड़ी की हाइट अच्छी खासी है और गेंद को और ज्यादा एलिवेशन मिल गया, कैच आसान नहीं था लेकिन दिनेश कार्तिक ने भी अपनी जी जान एक करते हुए धोनी के अंदाज में उछलकर ऐसा शानदार कैच पकड़ा कि भारतीय क्रिकेट टीम को ये विकेट हर हाल में मिल ही गया। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी और दिनेश कार्तिक का ये शानदार कैच भारतीय क्रिकेट टीम को सफलतापूर्ण एक बड़ा विकेट दिला चुका था। और दोस्तों वाकई में मानना पड़ेगा पांड्या की गेंदबाजी को जिसने भारत को इतना बड़ा विकेट दिला दिया। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक के द्वारा लिए गए ये विकेट तो केवल एक ट्रेलर ही था, असली पिक्चर तो जब दिखी जब दोस्तों हार्दिक पांड्या ने बदला लेते हुए मोहम्मद रिजवान का भी पत्ता काट दिया। दरअसल आपको बता दें कि दोस्तों हार्दिक पांड्या और रिजवान के बीच में पारी के शुरुआती ओवर्स में ही नोकझोंक हो गई थी और अब हार्दिक पांड्या रिजवान का शिकार करने पर तुले थे और हार्दिक पांड्या अपने अगले ओवर यानी कि 15वें ओवर में इसमें कामयाब भी हो गए। दोस्तों हार्दिक पांड्या के सामने रिजवान थे, बड़े शॉट लगा चुके थे, 40 से 70 रन बना चुके थे और हार्दिक पांड्या ने अपनी फेवरेट इस पिच पर शॉट गेंद का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों रिजवान को भी टारगेट कर दिया। अब रिजवान भी 141 की रफ्तार वाली इस बाउंसर को टच कर चुके थे, गेंद वो ऑफसाइड की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके पल्ले का एज लेकर थर्ड मैन पर खड़े आवेश के हाथ में चली गई और आवेश भी ऐसा मौका कैसे छोड़ते। उन्होंने भी दोस्तों रिजवान का कैच पकड़ लिया और भारतीय क्रिकेट टीम को एक और सबसे बड़ा विकेट मिल गया। 242 रन पर रिजवान का विकेट मिलना न सिर्फ भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था बल्कि हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में आगे चलकर भी कमाल किया। इस ओवर की दोस्तों तीसरी ही गेंद को हार्दिक पांड्या ने फिर से शॉर्ट गेंद में तब्दील किया और 140 की रफ्तार वाली गेंद पर खोश दिल जो कि ऑफ साइड की तरफ शॉट को खेलना चाहते थे सीधा जडेजा के हाथों में गेंद को मार बैठे और उनका विकेट भी दोस्तों मात्र 2 रन पर गिर गया। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने इकलौते दम पर इस एक ओवर में पूरे मैच को पलट कर रख दिया और भारतीय क्रिकेट टीम को जिता ही दिया था। पांड्या की गेंदबाजी की जितनी भी तारीफ हो उतनी कम है, तभी तो रोहित शर्मा भी उनके सामने उनकी तारीफ करते नहीं थके। लेकिन दोस्तों पांड्या की गेंदबाजी जिसने पूरा मैच पलट दिया और भारत को जिता के रख दिया, उसे आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।